राधे कृष्ण दोस्तों, जैसे जैसे प्रभु प्रेम में आकर्षण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सारे रिश्ते नाते शून्य होते जाते हैं और तब हम अकेला महसूस करने लगते हैं। समाज से बढ़ती हुई दूरी, अकेलापन होने लगता है और तब मन असमंजस होता है। इसलिए डर सताने लगता है या आश्रित होते हुए भी डर सताने लगे तो उसका कारण यही होता है। तो ऐसे में एक साधक को चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहो। अकेलापन आपको आपका मन करवा रहा है, आपको आपका मन डरवा रहा है, इसलिए डरना मत। आप अकेले नहीं है, हमारे प्रभु हमारे साथ है। इस यात्रा में भले ही वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, पर हर समय यात्री के समीप होते हैं वो। अगर यात्री के समीप ना होते तो यात्रा कब की खत्म हो चुकी होती। वो हर समय हमारे पास है। अमरीश जी के हित के लिए सदैव सुदर्शन चक्र था, पर अमरीश जी को वो कभी दिखाई ही नहीं दिया। पर जब दुर्वासा ने उनके ऊपर प्रहार किया, तब सुदर्शन चक्र अमरीश जी को दिखाई पड़ा। ठीक इसी प्रकार एक शक्ति सदैव आपके हित में होती ही होती है। इस तरह प्रभु हर भक्तों का ठेका लेते हैं। ब्राह्मण के बेटे को बेवजह फांसी दी जा रही थी। ब्राह्मण ने सिर्फ एक बार पुकारा, नारायण। तब सूली पे बेटे को चढ़ाने से पहले ही सूली अपने आप टूट के नीचे गिर जाती, वो भी बारंबार। तो किस बात का डर। ठीक इसी प्रकार पुरी में घटना हुई कि केवल जायदाद हड़पने के लिए एक अभक्त भाई ने अपने ही सगे भाई के ऊपर पिस्तौल चलाई, तो गोली अंदर होने के बावजूद भी गोली नहीं निकली, क्योंकि दूसरा भाई भक्त था। ना पिस्तौल खराब थी ना गोली, फिर भी गोली नहीं निकली। ठाकुर जी इतने पार्षद होते हैं अपने भक्तों के प्रति। ये सारी घटनाएं पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में वर्णित करते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये महापुरुषों द्वारा निकली हुई वाणी है। बहुत कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है प्रभु, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम उनकी शरण में है और वो वही करेंगे हमारे साथ जिससे हमारा मंगल होगा। प्रभु के दरबार में अमंगलता है ही नहीं, सिर्फ मंगल, शुभता, आनंदमय है। इसलिए अकेलापन महसूस हो तो नाम का सहारा लो, और अंत में हमें अकेला ही जाना है। इसलिए अकेले में ही प्रभु को मनाओ, अकेले में ही प्रभु को रिझाओ, क्योंकि वो दर्शन भी आपको अकेले में ही देना चाहते हैं। इसलिए इस अकेलापन को आपको सहजाना है, बल्कि हमें तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपके अलावा हमारा कोई और साथी हो ही ना, क्योंकि कोई और साथी बनने लगे तो मन विषयों में फंसने लगेगा, और जिसका कृष्ण मित्र है उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। पक्का समझ लो, प्रभु के चमत्कार देखने की कोशिश कीजिए, उनकी कृपा देखिए और उनपे भरोसा दृढ़ रखिए कि वो जो करेंगे आपके साथ वो आपके हित के लिए ही होगा। इसलिए डरो मत, अकेलापन को सहजाओ। आगे बहुत मंगल होने वाला है आपका, इसलिए तैयार हो जाओ और निश्चिंत रह के नाम में लगे रहो। समस्त संसार के त्रिलोकाधिपति आपके साथ है, तो आपको डरने की क्या बात है। सर्व समर्थ है प्रभु, निश्चिंत हो जाइए। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।